एज सीकर में आप सभी का स्वागत है चलिए आज कुछ नया करते हैं क्योंकि ये लिबर्टी की वीडियो है तो मैं अपनी क्रिएटिव लिबर्टी को यूज करते हुए इन सभी मेजर थिंकर्स की आपस में बातें करवाऊंगा सो so डेट आपको लिबर्टी का समझ आ जाए लिबर्टी कितनी हसीन चीज होती है इसके लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं मान लीजिए किसी दिन आप उठते हो मोबाइल फोन चेक करते हो वहां पर एक न्यूज फ्लैश होती है कि आज के बाद आपको अपने जो हेयर कट है वो अपने लीडर के स्टाइल जैसा कराना होगा तो आपको कैसा लगेगा चाहे आपकी जिंदगी में ये सुबह आए ना आए लेकिन नॉर्थ कोरियन के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी ये सुबह आ रखी है तो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कितनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि किसी भी तरह का हेयर कट स्टाइल करवा सकते हैं किसी भी तरह के कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं जो मन में आए उसे खा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें सब तरह की आज़ादी जो है वो नहीं दी जा सकती जैसे कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करने दिया जा सकता आपका मन है मैं उल्टी दिशा में गाड़ी चलाऊं तो वो नहीं करने दिया जा सकता और अगर आप ऐसी आज़ादी चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि पासपोर्ट और वीजा के बिना ही मैं किसी भी फॉरन कंट्री में ट्रेवल कर लूँ तो ऐसी आज़ादी भी नहीं दी जा सकती अब सवाल यह है कि क्यों इंसानों को हर तरह की लिबर्टी नहीं दी जा सकती लिबर्टी का मतलब क्या होता है किस हद तक लिबर्टी दी जा सकती है और किस हद तक लिबर्टी को छीना जा सकता है क्यों गवर्नमेंट को आपकी लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है और क्यों आप अपनी लाइफ में फ्री नहीं हो हर तरह के डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे अगर आपको आ जाते हो तो इसका मतलब है लिबर्टी का कंसेप्ट और उसकी फिलोसफी आपको समझ आ चुकी है लेकिन अगर इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा कंसेप्ट फिर आधे अधूरे ही आंसर लिबर्टी के आप करके आएंगे एग्जाम में तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लिबर्टी का मतलब क्या होता है लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना अगर आप ऐसी और कंसेप्चुअल वीडियो चाहते हो हालांकि लिबर्टी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है लेकिन थॉमस हॉब्स इस काम को आसान करते हैं अपनी

जब आप ये तीनों चीज़ें करते हो इसका मतलब है आप लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हो अब इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि हमारा अगर मन कर रहा है किसी को मारने का और हमें कोई रोक नहीं रहा हमारे पास क्षमता भी है तो क्या हम उसको मार सकते हैं हॉब्स कहते हैं ऐसा नहीं है एक्चुअली इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आप वही चीज़ें कर सकते हो जहाँ पर लॉ साइलेंट है वहाँ पर ही आपको लिबर्टी है लेकिन जहाँ पर लॉ है वहाँ पर आपको लिबर्टी नहीं है लॉ आपको वो चीज़ें करने से रोकता है और आपकी क्षमता होने का मतलब बेसिकली यही मतलब है कि आप बीमार या आलसी ना हो एक्चुअल में एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को करने की अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो आप लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हॉब्स आगे चल के हमें ये भी समझाते हैं कि लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के दो मोटिवेशन फैक्टर रहते हैं ह्यूमन बींग में ह्यूमन नेचर में वो दो फैक्टर होते हैं पहला ये कि वो डर के मारे कुछ काम करता है या दूसरा जे है जरूरत की वजह से वो काम करता है तो ये फियर एंड नेसेसिटी दो ऐसे मोटिवेशन फैक्टर है जिसकी वजह से वो लिबर्टी को एक्सरसाइज करता है फर्दर कहते हैं वो लिबर्टी को इसलिए एक्सरसाइज करता है ताकि खुद को बचा सके अपने आप को बचा ही रहा होता है अपने आप को प्रिजर्व कर रहा होता है Hobbs इसी को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है जिसने अपने लोन को पे करना है अपने डेट को पे करना है तो वो अपना डेट क्यों पे कर रहा है क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसको जेल में जाना ना पड़े और साथ ही में उसे कोई रोक नहीं रहा कि वो जेल में जाए वो तो इसलिए ये एक्शन ले रहा है ताकि खुद को बचा सके तो ये जो एक्शन होगा हाउस मानते हैं इसमें वो अपनी लिबर्टी को ही एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें वो अपना डेट को पे करने के लिए फ्री है और उसे कोई रोक नहीं रहा वो इसलिए पे कर रहा है क्योंकि उसको डर है कहीं वो जेल ना चला जाए तो ये जो उसका एक्शन है ये उसका एक्शन एट लिबर्टी है वो इस तरह से भी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन अगर हम फियर एंड नेसेसिटी को ही एज ए मोटिवेशन फैक्टर लेकर चले लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए तो हॉब्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मान लीजिए एक रवि नाम का लड़का है जिसके लिए एक एग्जाम बहुत जरूरी है जिसमें अगर वो फेल हो जाएगा तो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा इसमें दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं एक तो उसको डर है कि वो कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए और दूसरा उसको जरूरत है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्योंकि फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो इस एग्जाम में अपेयर भी होगा और कोई उसे रोक भी नहीं रहा एग्जाम में अपेयर होने के लिए ठीक है उसके पास पूरी लिबर्टी है कि वो एग्जाम में अपेयर हो सकता है उसको कोई रोक नहीं रहा तो इसका मतलब क्या होगा अपनी लाइफ को खुद को बचाने के लिए क्या वो एग्जाम में चीट भी कर सकता है क्योंकि डर और जरूरत में हम जो एक्शन लेते हैं वो जरूरी तो नहीं है कि वो एक्शन हमेशा ही सही हो इसीलिए हमें हॉब्स की लिबर्टी में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है हॉब्स का जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है कि वो इसके बारे में सिर्फ बात करता है कि लिबर्टी क्या होती है व्हाट इज़ लिबर्टी वो इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता कि लिबर्टी कैसी होनी चाहिए और उस लिबर्टी में अगर कोई एक्शन लिए जाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं दूसरे इंडिविजुअल पर क्या असर कर सकता है सोसाइटी पर क्या असर कर सकता है हॉब्स इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं करते इसके साथ हॉब्स जो है लिबर्टी ऑफ चॉइस का इशू भी एड्रेस नहीं करते कि इंडिविजुअल कितना फ्री है अपने आप चॉइसेस लेने के लिए कितना आज़ाद है इसके बारे में होब्स नहीं बात करते होब्स ना ही मटेरियल कंडीशंस की बात करते हैं वो कंडीशंस जो ज़रूरी होती है ताकि हम लिबर्टी को एक्सरसाइज़ कर सकें फ़ॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूं तो उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए एक अच्छी रोड होनी चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए मुझे सिखाने के लिए ये सारी कंडीशनस एग्जिस्ट करती होनी चाहिए तभी तो मैं गाड़ी चलानी सीख पाऊँगा ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि मैं गाड़ी चलाने के लिए आज़ाद हूँ आज़ाद किस तरह से हो अगर मटीरियल कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो चलिए वापस चलते हैं रवि की एग्जाम्पल में उसका सवाल तो अभी भी वही रहा क्या वो एग्जाम में चीट कर सकता है तो हॉब्स इसके लिए ये क्वेश्चन करते हैं लोक को और लोग जवाब देते हैं नहीं वो चीट नहीं कर सकता लोग ऐसा क्यों कहते हैं इसके लिए हमें समझना होगा लोक का लिबर्टी का कंसेप्ट तो लोग कहते हैं लिबर्टी का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी जो लॉ ऑफ नेचर अलाउ करता है अगर लॉ ऑफ नेचर आपको अलाउ नहीं करता तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते और अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी तरह की आज़ादी एग्जिस्ट नहीं कर सकती ये बिल्कुल हॉब्स से उल्टा कह रहे हैं हॉब्स कहते थे जहाँ पर लॉ एग्ज़िस्ट नहीं करता वहीं पर आज़ादी एग्जिस्ट करती है और लॉ कहते हैं जहाँ पर लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर किसी तरह की लिबर्टी हो ही नहीं सकती क्योंकि लॉ ही हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है इसका मतलब ये है ये लॉ ही इंश्योर कर सकता है कि मुझ पर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती दूसरा ना करे और मैं अपने डिसीज़न लेने के लिए अपनी चॉइसेस लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ ये कहते हैं लेकिन अब लॉ के लिए ये सवाल हम खड़ा करते हैं कि लॉ ऑफ नेचर हमें क्या अलाउ करता है क्या नहीं करता है ये कैसे पता चले हमें कैसे पता चले लॉ ऑफ़ नेचर क्या है क्योंकि कोई बुक तो ऊपर आसमान से गिरी नहीं है हमें पता चल जाएगी शायद लॉ ऑफ़ नेचर पहला ये है दूसरा ये है कैसे पता चलता है लॉ ऑफ़ नेचर के बारे में तो लोग कहते हैं लॉ ऑफ नेचर को अगर हम समझना चाहते हैं तो वो समझेंगे हम अपने रैशनैलिटी से रीज़न से ठीक है हम अपने रीज़न अप्लाई करेंगे दिमाग से सोचेंगे और पता चल जाएगा लॉ ऑफ़ नेचर क्या है कैसे पता चलेगा कहते फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग बाउंड है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए हमारे साथ कोई भी घटना होती है सबसे पहले हम अपने आप को प्रिजर्व करते हैं ठीक है चाहे गर्म पानी में हाथ डालकर देख लेना क्या करोगे आप अपने हाथ को जल्दी से तुरंत बाहर निकाल लोगे इंसानों के अलावा किसी भी जीव को ले लो मक्खी की ही एग्जाम्पल ले लो मारने की कोशिश करना उसको देखना वो अपने आप को कितना बचा रही है वी आर बाउंड टू प्रिजर्व आवर सेल्फ ये नेचर ने हमें किसी तरह से बाउंड कर रखा है जिस तरह से हम बाउंड है सिमिलरली दूसरे भी बाउंड है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए तो लोग कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मार दें या दूसरों का नुकसान कर दें दूसरे भी तो अपने आप को बचाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं इस रीज़न से हमें एक चीज़ समझ आती है वो ये है कि हमारे जो एक्शन है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो माई एक्शन शुड नॉट हार्म अदर्स ये नेचुरल लॉ निकल कर आया है हमारी इस डिस्कशन से तो फिर इसमें लिबर्टी का रोल क्या रहेगा लोग कहते हैं फिर इसमें लिबर्टी का रोल ये रहा है कि इंडिविजुअल जो है फ्री है कुछ भी करने के लिए बस एक कंडीशन है इस पर कि वो किसी का नुकसान ना करे किसी को हार्म ना करे तब तक वो फ्री है बट रवि का सवाल तो वहीं पर खड़ा रहा ना कि वो चीट क्यों नहीं कर सकता वो किसी को हाम तो कर नहीं रहा किसी की आंसर शीट को खींच नहीं रहा किसी का नुकसान नहीं कर रहा किसी को फिजिकली मार नहीं रहा फिर वो चीट क्यों नहीं कर सकता तो लोग इसी चीज़ को अब समझाते हैं वो कहते हैं आप इसलिए चीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप चीट करके हाई मार्क्स लेकर एक सीट अपने लिए गेन कर लेते हो वहीं दूसरी साइड जिसको वो सीट मिलनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को जो फेयर तरीके से एग्ज़ाम दे रहा था उसको वो सीट नहीं मिलेंगी तो इनडायरेक्टली ही सही आपने किसी तरह से उसकी फ्यूचर और उसकी लाइफ को हार्म कर दिया है इसलिए आपका ये जो एक्शन होगा चीट करना ये मॉरली सही नहीं है इसके मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं है आप दूसरों को हार्म कर रहे हो इसलिए आपको लिबर्टी नहीं है एग्ज़ाम में चीट करने की लेकिन लोग के लिबर्टी के साथ भी एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है मान लीजिए एक बैगर है एक भिखारी जो ये कहता है क्या मुझे भीख मांगने की लिबर्टी है क्योंकि मैं इसमें किसी का भी नुकसान नहीं कर रहा हूँ तो अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब लोग के पास नहीं है क्योंकि लोग की लिबर्टी जो है वो सोसाइटी में पाए जाने वाली हैरार की और इनक्वेलिटी को एड्रेस नहीं करती है क्योंकि आप सोच कर देखिए सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी को कौन मान सकता है एक अमीर या एक गरीब सो so, ऐसे इश्यूज को लोग भी एड्रेस नहीं करते हैं तो इसीलिए भिखारी को भीख मांगने पड़ेंगे अगर भीख नहीं मांगेगा तो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व नहीं कर पाएगा बचा नहीं पाएगा भूख से मर जाएगा तो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं रूजो जो कहते हैं कि बैग करने की जरूरत ही क्या है हम लोग हेल्प करेंगे अब यहां पर हम लोग कौन है कैसे हेल्प करेंगे उसके लिए हम रूजो का लिबर्टी का समझते हैं तो रुजो हमें लिबर्टी के बारे में समझाते हैं वो कहते हैं लिबर्टी का मतलब है अपने आप को सेल्फिश मोटिव से फ्री कर कर दूसरों की भलाई में सोचना ही लिबर्टी है हमें इस ह्यूमन सोसाइटी को लिबरेट करना होगा अनजस्ट इनक्वालिटी से अनजस्ट इनक्वैलिटी का मतलब है वो इनक्वलिटी जो मैन मेड है जो कन्वेंशनल है जो नेचुरल नहीं है जो इंसानों की वजह से बनी है सोसाइटी में वो असमानताओं को हमें रिमूव करना होगा जैसे कि पॉवर्टी या गरीबी जो है वो रूज़ मानते हैं वो इनक्वलिटी नेचुरल नहीं है वो अनजस्ट इनक्वालिटी है मैन मेड इनिटी है तो ह्यूमन बींग को कैसे लिबरेट किया जा सकता है कैसे फ्री किया जा सकता है वो कहते हैं उन्हें तभी फ्री किया जा सकता है जब वो लॉ को अबे करेंगे किस तरह के लॉ को अबे करेंगे वो लॉ जब जनरल विल के बेसिस पे होंगे अब जनरल विल क्या है जनरल विल वो विल है एक सोसाइटी की जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है एक इंडिविजुअल की अपनी विल होती है एक विल होती है जो जनरल विल जनरल विल हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचती है और इंडिविजुअल को अपनी विल को सरेंडर करना होगा जनरल विल में जो जनरल विल कहेगी जनरल विल के अकॉर्डिंगली लॉ बनेंगे वही लॉ ठीक होंगे और उसी लॉ से जो है सोसाइटी को हम लिबरेट कर सकेंगे इंडिविजुअल अपने सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठ सोसाइटी की भलाई के बारे में सोच सकेगा यही है रूज़ों का लिबर्टी का कंसेप्ट लेकिन अभी भी बैगर के लिए सवाल तो वही रहा कि वो कैसे हेल्प करेंगे ठीक है ना मैं तो अभी भी भीख मांग रहा हूँ मेरी कैसे हेल्प करेंगे तो रोजो ने कहा है बेसिकली क्या होगा जब वो अपने सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठकर जनरल विल को फॉलो करने लगेंगे तो सोसाइटी में जो ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से तुम्हें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है वो कंडीशंस ही बदल जाएंगी वो कंडीशन चेंज हो जाएंगी और आपको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो स्कॉलर जो रोजो को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है ये ये एक बिल्कुल ही यूटोपियन है मान लीजिए सोसाइटी में जाकर हम लोगों को कहते हैं ये अपने सुख आराम छोड़ दो अपने सेल्फिश मोटिव छोड़ दो और चलो दूसरों की भलाई करने के लिए आगे आते हैं तो कितने ही लोग आगे आएंगे शायद कोई भी नहीं तो अपने क्रिटिक्स को सुनकर रुजो को भी लग रहा होगा क्या मैं गलत हूं तो जे एस मिल कहते हैं हां आप गलत हो आप इसलिए गलत हो क्योंकि आप इंडिविजुअल को फोर्स कर रहे हो कि वो कम्युनिटी को सोसाइटी की विल को ओबे करे अब जब उनको फोर्स करोगे ओबे करने के लिए तो उनकी सेल्फ डेवलपमेंट रुक जाएगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सोचना बंद कर देंगे वो ऑलरेडी इस्टैब्लिश नॉर्म्स को ऑलरेडी इस्टैब्लिश लॉ को जो जनरल विल पर है वो उसी को फॉलो करेंगे अगर सारे इंडिविजुअल ही ऑलरेडी इस्टैब्लिश चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो सोसाइटी की प्रोग्रेस रुक जाएगी क्योंकि सोसाइटी चलती है जब इंडिविजुअल की डिवेल्पमेंट होती है जब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें सोच कर दिखाता है सोसाइटी से हट तो इसीलिए जे मिल कहते हैं अगर सोसाइटी और इंडिविजुअल की ओपिनियन में कोई कंफ्लिक्ट है तो हम इंडिविजुअल को ही अल्टीमेट जज मानेंगे सोसाइटी को नहीं यानी इंडिविजुअल ही उस ओपिनियन को जज करेगा क्या वो ठीक है या गलत है सोसाइटी के पास अधिकार नहीं है उसको जज करने के लिए तो जे एस मिल के लिए इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी नहीं अब ये बात सुनकर इंडिविजुअल तो खुश होंगे ही तो चलिए जे एस मिल के अब लिबर्टी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो मिल कहते हैं हम जब भी कोई आज़ादी में या लिबर्टी में कोई एक्शन लेते हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं एक होता है सेल्फ़ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन सेल्फ़ रिगार्डिंग एक्शन मतलब हमारे वो एक्शन है जो सिर्फ़ हमें इफेक्ट करते हैं और अदर रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शन है जो दूसरों को इफेक्ट कर सकते हैं यानी हमारे लिए हुए एक्शन दूसरों को इफेक्ट कर सकते हैं तो मिल कहते हैं जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है जो सिर्फ़ आपको ही इफेक्ट करते हैं दूसरों को नहीं कुछ करते ना ही हार्म पहुंचाते वो एक्शन के लिए आप फ्री हो कुछ भी कर सकते हो आप लेकिन जैसे ही आपके कुछ एक्शन दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो तो वो एक्शन के लिए आप फ्री नहीं हो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट आपको कुछ नहीं कर सकती स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगी लेकिन वो एक्शन जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं उसमें स्टेट इंटरफेयर करेगी तो ये सेल्फ़ रिगार्डिंग एक्शन वाली बात सुनकर जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती वो लोग जो सारा दिन कमरे में बैठ के नशे करते रहते हैं उन नशेड़ियों का क्या होगा वो तो नशेड़ी खुश हो जाएंगे और कुछ इस तरह से नाचने लगेंगे लेकिन मिलने अपने बाल धूप में तो सफ़ेद किए नहीं थे इसलिए वो जानते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कभी कभी अदर रिगार्डिंग एक्शन भी बन सकते हैं वो दूसरों को इफेक्ट भी कर सकते हैं इसलिए अपनी बुक ऑन लिबर्टी में वो इसी चीज़ को क्लियर करते हैं कि कुछ एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं लेकिन दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर वो दूसरों के इफेक्ट करें तो उनकी मर्जी से ही वो इफेक्ट होने चाहिए अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं जे मिल कहते हैं हमारे कुछ एक्शन प्योरली सेल्फ रिगार्डिंग हो सकते हैं वो तभी होंगे जब वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करते ठीक है ना आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो ठीक है उस इफेक्ट से ना आप कहीं धोखा करके कोई ऐसा एक्शन ले रहे हो जो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है उसे पता भी नहीं है कि वो मुझे इफेक्ट कर रहा है इस चीज़ का ध्यान रखना होगा इसको और क्लियर करते हैं कि इफ़ेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि उनके पर्सनल सर्कमस्टांसिस चेंज ना हो अगर उनके पर्सनल सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके एक्शन उनको इफेक्ट कर रहे हैं पर्सनल सर्कमस्टांसिस का यहां पर मतलब है जिसमें आपकी बॉडीज रेप्यूटेशन फाइनेंसिस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ये सारी चीजें पर्सनल सर्कमस्टांसिस में आते हैं तो जब आपकी ये सारी चीजें इफेक्ट होती है तो इसका मतलब है आपको किसी का एक्शन इफेक्ट कर रहा है मिल कहते हैं इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि पर्सनल सर्कमस्टांसिस में फीलिंग्स की बात नहीं की जा रही है ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोस्त कोई कपड़े पहन कर आया आपके सामने और आपको पसंद नहीं आए ठीक है और आप कहते हो उसे बदल कर आओ क्योंकि फीलिंग्स जो है वो टेम्परेरी होती है तो लिबर्टी में अगर कोई कोई एक्शन लेता है तो उसको लाइक like, डिसलाइक या फीलिंग्स पे जज नहीं किया जाएगा वो जज किया जाएगा कि उसने दूसरे के पर्सनल सर्कमस्टांसिस को इफेक्ट किया है या नहीं किया है तो अगर उसके पर्सनल सर्कमस्टांसिस में चेंजेस आ रहे हैं तो तभी इस पैरामीटर पर हम समझ पाएंगे कि क्या इस एक्शन से उसका नुकसान हुआ है या उसका बेनिफिट हुआ है तो अगर उसका कोई नुकसान हुआ है तो ऐसे एक्शन को फिर रिस्ट्रिक्ट करना होगा अगर उस एक्शन से किसी का बेनिफिट हुआ है तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है स्टेट किसी भी तरह की फिर इंटरफेरेंस नहीं करेंगी ये जे मिल समझाते हैं हालांकि मिल अपनी तरफ से पूरी सफाई पेश कर देते हैं लेकिन फिर बी जे मिल की लिबर्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स लेती है अर्नस्ट बार्कर जे एस मिल को कहते हैं कि वो एम्टी लिबर्टी के मसीहा है प्रॉफिट है एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल के मसीहा वो ऐसा क्यों कहते हैं उसको समझते हैं मोस्टली जो जे एस मिल को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि जे एस मिल इंडिविजुअल को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इंडिविजुअल को सोसाइटी से सेपरेट नहीं किया जा सकता वो ऐसा क्यों कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि इंडिविजुअल के एक्शन कभी भी ऐसे एक्शन हो ही नहीं सकते जो सेल्फ रिगार्डिंग हो जो दूसरों को इफेक्ट ना करे हर एक्शन इंडिविजुअल का किसी ना किसी रूप में दूसरों को इफेक्ट करता है इसलिए मिल का जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो ठीक नहीं है और इसके साथ जे एस मिल के आइडिया में हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाई देती है जैसे कि जे एस मिल कंपल्सरी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं बिजनेस और इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए पब्लिक वेलफेयर के लिए लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए स्टेट को कोई रोल प्ले करना होगा यानी स्टेट को कुछ लॉ बनाने होंगे इंडिविजुअल की कुछ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना होगा लेकिन वहीं दूसरी ओर जब जे एस मिल इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करते हैं वो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन के फेवर में नहीं आते हैं तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देती है कि अगर वेलफेयर स्टेट को जे एस मिल सपोर्ट कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर इंडिविजुअल की लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे मिल की लिबर्टी के आइडिया में एक और प्रॉब्लम देखते हैं एक नेहा नाम की लड़की है जो राइटर बनना चाहती है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो आई बने अब जे एस मिल फ्रीडम ऑफ़ चॉइस की तो बात करते हैं लेकिन मटेरियल कंडीशन की बात नहीं करते तो जे एस मिल उस लड़की को क्या कहेंगे वो तो यही कहेंगे कि आपके पास फ्रीडम ऑफ़ चॉइस है फ्रीली राइटर बनिए आपके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है तो कॉल मार्क्स आकर आप समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है कार्लमार्क्स कहते हैं प्रॉब्लम यह है कि राइट मटेरियल कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती कि वो राइटर बन सके हमारे समाज में सोसाइटीज़ में राइटर को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है राइटिंग को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है तो कैसे उसके पेरेंट्स जो है उसे अलाउ करें कि वो राइटर बने तभी तो आपने कभी ये बात नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा आई बनना चाहता है और अदर उल्टा उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो वो राइटर बनने जा रहा है और तुम सिर्फ आई बनने के खाब देख रहे हो ऐसा पेरेंट्स कहने लगे ये तो पैलर यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है और वैसे भी लबासना आई का होता है राइटर्स का कोई भी लबासना नहीं होता तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए काल मार्क्स की लिबर्टी का आइडिया समझना होगा काल मार्क्स लिबर्टी डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते वो ये डिफाइन करते हैं कि लिबर्टी क्या नहीं होती है तो इसी चीज़ को हमें समझाते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन नेचर में एक चीज़ होती है वो होती है एक एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी हम अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो सरकमस्टांसिस जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं वो हमारी लिबर्टी को डिनाई करते हैं क्योंकि हम अपने सेल्फ के साथ अपने खुद के साथ तभी ही अच्छे से जुड़ सकते हैं जब हम अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाए तो कालम्क्स कहते हैं अगर हम जो करना चाहते हैं ऐसे सरकमस्टांसिस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें फिर कुछ दूसरी चीज़ करनी पड़ती है हमें फोर्स किया जाता है कि हम कुछ और करें जैसे मार्क्स ने अपने टाइम पर देखा था कि वर्कर्स को फोर्स किया जा रहा है फैक्ट्रीज में वो क्रिएटिवली कुछ और भी करना चाहे तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके सरकमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं तो मार्क्स कहते हैं जब इंसान को फोर्स किया जाता है जब वो करना चाहता है क्रिएटिवली उसको वो करने नहीं दिया जाता तो वो अपनी सेल्फ को लूज़ कर लेता है उसे अपनी सेल्फ की सेंस नहीं रहती और वो एलियनेटेड हो जाता है ऐसा पर्सन कैसा हो जाता है ऐसा पर्सन सिर्फ एनिमल फंक्शन परफॉर्म करता है इसका मतलब है वो जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर हो जाता है वो सिर्फ खाता पीता सोता तो है लेकिन सच में जी नहीं रहा होता है। तो इसलिए कॉल मार्क्स यहाँ पर ये कहेंगे कि ये नेहा के यहाँ पर सपने नहीं मर रहे हैं ये नेहा ही मरती जा रही है तो कॉल मार्क्स के लिए लिब्रेशन क्या है लिब्रेशन का मतलब ही है सेल्फ रियलाइजेशन की लाइफ को जीना, यानी वो एक्टिविटीज करना जिस, जिसके साथ आप रिलेट कर सको जिसको करने से आपको खुशी महसूस हो तो अगर हम कॉलमार्क से यही क्वेश्चन करें कि ये कैसे किया जा सकता है कैसे हम जिंदगी सेल्फ रियलाइजेशन की, हम क्यों नहीं जी पा रहे तो मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म ही रेस्पॉन्सिबल है जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करा रहा जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़िंदगी जी सको अब तक की सारी लिबर्टी की डिस्कशन को सुनने के बाद ईसाया बर्लिन आते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि लिबर्टी कोई एक कंसेप्ट नहीं होता है लिबर्टी दो कंसेप्ट होते हैं अपने फेमस लेक्चर में टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड में उन्होंने दिया था नाइनटीन में वो कहते हैं लिबर्टी दो तरह की होती है एक होती है नेगेटिव लिबर्टी दूसरी होती है पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम किसी चीज़ से फ्रीडम होना किसी इंटरफेरेंस से किसी ऑब्स्टैक्कल से हमें फ्रीडम होना वो है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी होती है जिसमें हम कुछ करते हैं कुछ करने की आज़ादी जैसे बोलने की आज़ादी किसी भी तरह का धर्म अडॉप्ट करने की आज़ादी ये पॉजिटिव लिबर्टी में आएगा जब हम कुछ करते हैं कोई एक्शन लेते हैं तो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को एक एक करके अच्छे से समझते हैं नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस का मतलब ये है बर्लिन ये कहते हैं कि अगर मैं जो करना चाहता हूँ और मुझे उस चीज़ को करने से रोका जा रहा है तो इसका मतलब है मैं फ्री नहीं हूँ मैं अपनी लिबर्टी को इंजॉय नहीं कर सकता एक्सरसाइज नहीं कर सकता इसी को समझाने के लिए बर्लिन एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है और उसे रोका जाए इलेक्शन लड़ने से तो इसका मतलब है हम उसकी लिबर्टी को कंटेल कर रहे हैं हम उसे रोक रहे हैं तो यही नेगेटिव लिबर्टी में आता है नेगेटिव लिबर्टी दो चीज़ों पर टिकी है टू एग्जियम पर यानी दो एजम्पन को लेकर चलती है दो धारणाओं पर टिकी हुई है पहली चीज़ तो ये है कि हर एक इंसान अपने इंटरेस्ट के बारे में जानता है ठीक है वो अपना भरा भुरा समझ सकता है इसीलिए क्योंकि वो अपना भला और बुरा जानता है स्टेट का कोई भी रोल नहीं है इसमें लिमिटेड रोल है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा इंसान के लिबर्टी में नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट को इंटरफेयर करने से रोका जाता है क्योंकि यहाँ पर इंसान खुद डिसीजन लेगा जो उसके इंटरेस्ट में हो इसी के साथ अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कुछ करने की आज़ादी जहाँ पर आप कुछ एक्शन लेते हो पॉज़िटिव लिबर्टी भी कुछ अजम्शन लेकर चलता है पॉजिटिव लिबर्टी मानती है कि इंसान की दो सेल्फ होती है एक होती है हायर सेल्फ एक होती है लोअर सेल्फ हायर सेल्फ़ वो होती है जहाँ पर आप रैशनली सोच सकते हो जो आपकी रैशनल सेल्फ है यानी जब आप दिमाग से सोचते हो और लोअर सेल्फ वो होती है जो इरेशनल सेल्फ है जिसमें डिज़ायर्स इमोशंस और इग्नोरेंस होते हैं लेमन लैंग्वेज में जब आप दिल से सोचते हो दिल से कोई डिसीज़न लेते हो और पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट ये कहता है कि हायर सेल्फ को हमारी रैशनल सेल्फ़ को हमेशा लोअर सेल्फ़ पर मास्टरी अटेन करनी होगी यानी लोअर सेल्फ़ को हायर सेल्फ के कंट्रोल में रहना होगा क्योंकि इंडिविजुअल जो है हमेशा रैशनल सेल्फ़ में नहीं रहते हैं वो लोअर सेल्फ में भी ले सकते हैं तो स्टेट का, का काम ही यही है कि इंडिविजुअल को इतना डेवलप करना कि वो अपनी लोअर सेल्फ से ऊपर उठ के हायर सेल्फ के बारे में सोच सकें यानी रैशनली सोच सकें तो यहाँ पर स्टेट को भी ये अलाउ किया जा रहा है कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकता है जब तक इंडिविजुअल रैशनल डिसीज़न नहीं लेते हायर सेल्फ अटेन नहीं करते तब तक स्टेट जो है उनको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ताकि वो लोअर से हायर सेल्फ जा सके इंटरफेरेंस करते रहना चाहिए क्यों करते रहना चाहिए क्योंकि ये विश्वास है कि स्टेट एक्चुअली इंडिविजुअल को लिबरेट करेगी इस तरह से वो ऑप्रेस नहीं करेगी अगर वो पॉजिटिव लिबर्टी को इंक्रीज करने के लिए किसी तरह के डिसीज़न लेती है लॉ बनाती है किस तरह के रूल्स लेकर आती है तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है अब इस आइडिया के साथ भी प्रॉब्लम है बर्लिन का आइडिया जिसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी को फ्रीडम फ्रॉम एंड पॉजिटिव लिबर्टी को फ्रीडम टू करके जब देखते हैं तो सारा ही आइडिया गलत हो जाता है किस तरह से क्योंकि हर एक फ्रीडम जो है वो फ्रीडम फ्रॉम भी है और वो फ्रीडम टू भी है वो किस तरह से वो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम अब ये कौन सी फ्रीडम होगी ये नेगेटिव है या पॉजिटिव फ्रीडम होगी ये फ्रीडम फ्रॉम स्टेट भी हो सकती है कि स्टेट जो है हमें ना बताए कि किस तरह का रिलीजन रखना है ये हमें स्टेट से आज़ादी चाहिए कि हमें रिलीजन ना बताया जाए और दूसरे शब्दों में ये फ्रीडम टू भी बनती है यानी फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन और उस रिलीजन की प्रैक्टिस को एक्सरसाइज करना तो फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू का डिफरेंस हम कैसे पहचानेंगे अब इसी चीज़ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच अब ये क्या है ये नेगेटिव लिबर्टी है या पॉजिटिव लिबर्टी है या फ्रीडम फ्रॉम है या फ्रीडम टू है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम फ्रॉम स्टेट सेंसरशिप भी है कि स्टेट हमें रोके ना कुछ भी एक्सप्रेस करने से ये फ्रीडम फ्रॉम स्टेट सेंसरशिप हो गया और इसी के साथ ये फ्रीडम टू भी है फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स फ्रीली यानी हम अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें उसकी फ्रीडम होना तो फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू की लाइन भी जे एस मिल के सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग की तरह बहुत ही कम ब्लर है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाना ये आपकी परसेप्शन पर डिपेंड करता है अब आप उन एग्जामिनर का क्या करेंगे आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा थिंकर नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है या कौन सा थिंकर पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है इसी नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम की कंफ्यूजन को गैरल मैक अपने ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम में जो 1967 में पब्लिश होता है क्लियर करते हैं वो कहते हैं देखिए अब तक हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम जो बल्ली ने डेफिनेशन दी है ये और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है रैदर लिबर्टी एक सिंगल कंसेप्ट है दो कंसेप्ट्स नहीं होते हैं वो कहते कैसे वो कहते हैं हम सारे जितने भी अब तक की लिबर्टी की डेफिनेशन है चाहे वो किसी भी फिलोसफर ने क्यों ना दी हो हम उसको एक ही सिंगल लाइन में समझ सकते हैं जैसे कि वो लाइन ये है जिसमें कह रहे हैं मैं कहम एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जेड या फिर एक्स फ्री नहीं है वाई से जेड करने के लिए या जेड बनने के लिए अब इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं सबसे पहले ये समझिए कि एक्स का मतलब यहां पर है सब्जेक्ट यानी आप और वाई का मतलब है कॉन्स्टेंट वो चीज जो आपको रोक रही है कुछ करने से कुछ करने का मतलब है जेड जेड गोल है जो आप करना चाहते हो तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि शी इज फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस टू डू बिजनेस शी यहां पर क्या है कोई भी इंसान हो सकता है कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है तो शी का यहां पर गोल क्या है बिजनेस करना और अगर स्टेट उसको रोकती है वो बिजनेस करने से तो मतलब है वो इंटरफेयर कर रही है वो कॉन्स्टेंट है वो ऑब्सटेक्कल है अब इसी चीज़ को दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे कि शी इज़ नॉट फ्री एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी लेते हैं शी इज़ नॉट फ्री टू इंजॉय वेकेशन वो अपनी छुट्टियाँ इंजॉय करने के लिए फ्री नहीं है क्यों फ्री नहीं है बिकॉज शी लैक्स मनी तो यहाँ पर मनी क्या हो गया उसके लिए कॉन्स्टेंट तो पैसे उसे रोक रहे हैं किस चीज़ से वैकेशन को एंजॉय करने में अपनी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर सकती अगर उसके पास पैसे नहीं है तो पैसे यहां पर कॉन्स्टेंट है तो गैरल मैकलम की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कहा कि लिबर्टी के कंसेप्ट को समझने के लिए लिबर्टी की चाहे कोई भी डेफिनेशन क्यों ना हो हम उसको सिंगल लाइन में ही समझ सकते हैं एक्स वाई जी तीन एलिमेंट लेकर उम्मीद करता हूं मैं कैलम की ये बात आपको समझ आई होगी इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें लिबर्टी के कुछ बोनस फैक्ट समझते हैं जैसे पहला है नाइनटीन सेंचुरी के फिलॉसफर बेंजामिन कॉन्स्टेंट दो तरह की लिबर्टी की बात करते हैं एक है लिबर्टी ऑफ एशियंस जिसमें पोलिटिकल लाइफ में फ्रीली पार्टिसिपेट करने की लिबर्टी की बात की जाती है और एक है मॉडर्नस की लिबर्टी जिसमें गवर्नमेंट की एक्सटेंसिव पावर से फ्रीडम की बात की जा रही है ज्यादा फ्रीडम कभी कभी ऑप्रेसिव भी बन सकती है एक लाइसेंस भी बन सकती है आर एच नानी का एक फेमस कोट है द फ्रीडम ऑफ द पाइक इज़ द डेथ टू द मीनोज लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब है जब बड़ी मछलियों को आज़ादी दी जाएगी तो वो छोटी मछलियों के लिए मौत का फरमान ही बनेगा इसका मतलब है जिसके पास ज़्यादा ताकतवर इंसान है वो दूसरों को सप्रेस करेगा एक्सप्लोइड करेगा अगर हम उनको जरूरत से ज़्यादा फ्रीडम दे देंगे कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो 1962 में पब्लिश होती है बुक मिल्टन फ्रीडमैन की वो आर्ग्यू करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में इकोनॉमिक फ्रीडम का आइडिया देते हैं जिसमें वो कहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हर सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए मार्केट प्लेस में ज़रा सोच कर बताना और कमेंट करके बताना कि आपको कितनी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है जब आप सुपर मार्केट में जाते हो या जा कहीं बाजार जाते हो कुछ चीज़ें लेने काउंटर पर जब आप बिल पेमेंट करने जाते हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी होती है ना जो आप उठा लेते हो और बाय कर लेते हो क्या वो अपनी चॉइस से आप लेते हो चॉकलेट्स वगैरह या फिर आपकी चॉइस को वो मैन्यूपलेट करते हैं तो इसके बारे में ज़रूर बताना लास्ट बोनट फैक्ट से टी एच ग्रीन का टी एच ग्रीन को माना जाता है एक फर्स्ट मॉडर्न लिबरल जिन्होंने फ्रीडम की पॉजिटिव कंसेप्शन को एम्ब्रेस किया था यानी फ्रीडम के पॉजिटिव कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा बात की थी जिसमें वो कहते हैं कि स्टेट को अलाउ करना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज कर सके जितना ज़्यादा अपने आप को बेहतर कर सकता है उसको आज़ादी होनी चाहिए और उसके लिए अगर कुछ करना पड़े स्टेट को तो स्टेट को जरूर कुछ करना चाहिए तो माना जाता है टी एच ग्रीन के इस आइडिया की वजह से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को बनाने के लिए जो सोर्सेज मैंने यूज किए हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हमारा ये क्रैश कोर्स पहुंचे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू